हेलो, गुड इवनिंग विद्यार्थियों। मैं राकेश मिश्रा, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन 10वीं क्लास के लिए विज्ञान का वीडियो तैयार कर रहे हैं। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। दोस्तों, इसके पहले मैंने विद्युत धारा, आवेश, विद्युत विभव जो मूल पद है उसके बारे में आपको समझाया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उसके विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ओम का नियम आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल है, एक क्रियाकलाप है, रिएक्टिविटी है। ओम का नियम एक वैज्ञानिक है, इसको वीडियो की लास्ट में हम आपको और पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए लगातार। दोस्तों, विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर। विभव क्या है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, इसको पुनः बता देता हूं। आवेश, कार्यवटी आवेश या एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। दोस्तों, इन दो राशियों में संबंध बताने के लिए ओम का नियम आता है। आज हम ये बात सिद्ध करने आए हैं कि आखिर इनमें संबंध कैसे आता है। तो आइए इस क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। क्या करना है आपको, क्या तैयारी है आपकी? एक परिपथ तैयार करना है जिसमें कुछ ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए। इसमें चाहिए 8 मीटर लंबा नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोमिक मिश्र धातु है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और निकल से बनती है मिश्र धातु। चार धातुओं का मिश्रण है जो है 8.5 मीटर XY। इतनी लंबी जो है हमने मिश्र धातु ली है, साथ में एमीटर। धारा मापने के लिए क्या करते हैं अपन? एमीटर का प्रयोग करते हैं। बोल्ट मीटर, विभवांतर मापने के लिए बोल्ट मीटर लिया गया। चार अलग अलग सेल ले गए। एक सेल का विभवांतर है 1.5 वोल्ट। तो चार चीजें क्लियर हो गई। चार सेल हैं, सभी 1.5 वोल्ट के हैं। एमीटर है धारा मापने के लिए, बोल्ट मीटर है विभवांतर मापने के लिए, नाइक्रोम का 0.5 मीटर का तार है और हम दिए गए चित्र के अनुसार इसको जोड़ लेंगे। ये आपका सर्किट तैयार हो गया है। अब दोस्तों, इस सर्किट से हमें एक ग्राफ बनाना है। ये जो ग्राफ है ये ओम के नियम की पुष्टि करता है। उसमें हम अलग अलग गणितीय मान रखेंगे आपके सामने और चारों से करना क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, ये जो ग्राफ खींचा गया है ये दो चीजों में खींचा गया है। एमीटर में कितनी धारा बह रही है आरासन में, और बोल्ट मीटर अर्थात नाइक्रोम के तार के दोनों सिरों पर कितना विभवांतर है। प्रैक्टिकल है, ध्यान से देखिए। तो ये मान जो है इसी के आधार पर बनाए हैं हमने और इसी मान को हम दी गई सारणी में पुट करेंगे, जिससे हमें जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हम पता लगा पाएंगे कि ये ओम का नियम क्या है। आइए सबसे पहले आप एमीटर का पाठ पढ़ लेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेंगे, कुंजी चालू कर लेंगे, पूरी तैयारी। अच्छा, जो सेल है पहले एक जोड़ना है, एक एक करके चारों सेल जोड़ना है एक के बाद एक। अब हमने पहला सेल जोड़ा है और इसी के आधार पे हमने ये ग्राफ, इसमें ग्राफ में यहां लिया है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बोल्ट। यहां धारा मापी है, विद्युत धारा ले रहे हैं। इस पर हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जब हमने इसमें देखा एमीटर में 0.1 एम्पियर की धारा बह रही थी, तो यहां वोल्टेज कितना था?
यहां वोल्टेज था 0.4। देखते जाइए पूरी चीज, और जहां प्रॉब्लम रहती है दोस्तों बिल्कुल निसंकोच, आपके टीचर हैं, आपसे हम बात रखते हैं, तो आप उस कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए हमें कि ये सर समझ में नहीं आया, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या किया हमने, विद्युत धारा का मान कितना है, विद्युत धारा का जो मान है वो है 0.1 और सिरों पर विभवांतर आया है 0.4। क्या करना है, जैसा कि चित्र में दिया है, भी को अपन बोल्ट को ऊपर रखेंगे और धारा को नीचे रखेंगे, कितना आ जाएगा आप जानते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 सेल जुड़ा, हम दूसरा सेल जोड़ देंगे, यहां पर 1 सेल जुड़ा था, अब हम दूसरा सेल जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि 2 सेल से धारा ज्यादा बहेगी, लेकिन वोल्टेज कितना आया ये कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। तो हम देखते हैं कि हमने 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित कर दी, दूसरा सेल भी जोड़ दिया, तो वोल्टेज आया 0.8। ये मैं नहीं कह रहा, ये वोल्ट मीटर में पैमाना कह रहा है। तो हम इसको टेबल के अंदर रखते हैं, आप अपनी कॉपी पर भी टेबल बनाइए, उसी के आधार पे आप नोट्स बनाते जाएंगे। धारा 0.2 है एमीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर 0.8। क्या करेंगे हम, V/I 0.8 ऊपर रखेंगे और 0.2 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, राइट, और 4 × 2 = 8। हम तीसरे नंबर पे चलेंगे और हमने एक और सेल जोड़ दिया, जैसे जैसे सेल जोड़ते जा रहे हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, जितने ज्यादा सेल उतनी ज्यादा धारा। अब जब धारा बढ़ा रहे हैं तो क्या नाइक्रोम के दोनों सिरों पर विभवांतर बढ़ेगा अथवा घटेगा, ये तो हम नहीं बता सकते, तो प्रैक्टिकल बताएगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो कंप्लीट। 0.3 धारा प्रवाहित की हमने, तो यहां पर जो विभवांतर है 1.2, हम फिर डिवाइड करेंगे 1.2 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। एक और सेल जोड़ दिया, लास्ट चौथा सेल, सेल का ये माइनस रहे प्लस, चौथा सेल जोड़ा है तो हमने धारा का मान 0.4 आ जाएगा और यहां पर आएगा 1.6। जैसा हम जानते हैं और हम समझ रहे हैं कि 1.6 भी को ऊपर रखेंगे विभवांतर को, धारा को नीचे रखेंगे, कोई परेशानी जाए तो आप हमें बता सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट फिर कैंसिल हो गया, हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार हमेशा मीठा होता है यदि आपने परीक्षा 6 तैयार की है। तो हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक किया है, हमें कोई डर नहीं है रिजल्ट का। एक सेल जोड़ा, विभवांतर नापा, दूसरा सेल जोड़ा, विभवांतर, कहां विभवांतर नापा है, वोल्टमीटर में, देखते जाओ यार, पढ़ लोगे उसमें पॉइंट आएगा। एक्स वाई नाइक्रोम के तार पर कितना वोल्टेज आया है, क्योंकि धारा तो हम लगातार बढ़ा रहे थे, सेल तो हम जोड़ते जा रहे थे। तो दोस्तों ये जो सारणी बनाई है इसमें ग्राफ भी हमारा देख लो, ये सीधी लाइन नहीं है एक्चुअली, यहां बिंदु मिला, यहां बिंदु मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां, तो हमने इन बिंदुओं को मिला दिया है, तो मूल बिंदु से सीधी रेखा, ये देखिए कौन सी रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, किसके बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। तो क्या समझ रहे हैं आप, चारों निष्कर्ष से क्या अनुमान लग सकता है, बिल्कुल सरल चीज है और बड़े ध्यान से देखें, 4 4 4 4, चारों टेबल से हमें यह समझ में आया, चारों परीक्षणों के आधार पर अनुमान लगाया कि V/I का मान नियत रहता है, V/I जब नियत रहेगा उसको हम R से दर्शा रहे हैं, R क्या है, प्रतिरोध। दोस्तों जो हमने आपको प्रैक्टिकल समझाया है एक्चुअली वो 1827 में जर्मन के जो भौतिक विज्ञानी है जॉर्ज साइमन ओम इन्होंने किया था, जो मैंने आपको समझाया इन्होंने किया, और इस आधार पर इसमें तापनीय रखना है तार का,
ताप के साथ फिर तो चेंज हो जाता है। तो इनका कथन बन गया, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसका नियम है ये? ओम का नियम। अब जो आर आया है, आर को हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, आर को प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है। ओम एक्चुअली ग्रीक शब्द है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम भी ओम था, तो इसलिए इसको ओम से दर्शाते हैं। इसमें एक बात और हम कर सकते हैं कि यदि हम जो है एक बोल्ट का विभवांतर, हम एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और एक वोल्ट का विभवांतर आता है, तो जितना रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? एक ओम। बोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम आ जाएगा, लेकिन वो नियत है। और यदि हम रेजिस्टेंस डबल करते हैं तो धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक गुण है चालक का। चालक के धारा प्रवाह में जो बाधा डाली जाती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसको आर से दर्शाते हैं, उसका मात्रक क्या बना? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो क्या होता है, देखो इस तार में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते हैं, आवेश लेके जा रहे हैं। कौन? धातु के तार, नाइक्रोम के तार, चार धातु से बना। तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उनको जो धातु के धनायन है वो रोकते हैं, क्योंकि धनायनों पर धनावेश रहता है, धातु के धनायन रहती है इलेक्ट्रॉन त्याग के आखिरी कोष के। तो धातु के धनायन जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं वो धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे? ऋणात्मक। तो धातु के धनायन इलेक्ट्रॉनों को रुकावट डालते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हम एक और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे क्या होगा, इससे हमें ओम का नियम बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए छोटा सवाल है, सवाल को यहां से पढ़ लीजिए या यहां भी पढ़ लीजिए आप सवाल अच्छे तरीके से। ये दे दिया है मैंने, किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, आर का मान है 1200 ओम, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से धारा लेगा। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। कोई परेशानी? एक बल्ब का तंतु है, तंतु जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बल्ब तंतु, उसका 1200 ओम प्रतिरोध है और बल्ब 220 वोल्ट का है, तो कितनी धारा लेगा? हम अभी अभी ओम के नियम से ये चीज सिद्ध करके आए हैं, अभी देर नहीं हुई है, तो हम तुरंत लगा देंगे इसमें। क्या लगा देंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, भी बटे आई बराबर आर। इसमें क्या क्या दिया है? हमारे पास आर है, तो इसको हम ऐसा भी लग सकते, इसको त्रिकोणा कर लीजिए आप, वी बटे आर बराबर आई। धारा हमें निकाल ली है, फिर तो आ गई आई बराबर वी। कितना है? वी हमारा है 220 वोल्ट, और यहां पे प्रतिरोध कितना है? 1200। जीरो से जीरो कट जाएगा, और भी हम सरल कर सकते इसको, इसको हम 11 कर सकते हैं, दो से काटे तो 22, 11 दूनी 22 ये 60 आ जाएगा। इसका भाग भी दे सकते हैं, तो लगभग 0.18 इतने एम्पियर की धारा चाहिए बल्ब के लिए। अब इसी सवाल में और आगे जो जुड़ा है, एक हीटर भी जुड़ा है, सवाल को आपने पढ़ लिया है, एक हीटर जुड़ा है जिसमें 100 जो है ओम का प्रतिरोध हीटर का है। हीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है जब वो गर्म है, और वोल्टेज 220 है। तो ये हमने बल्ब की बात की थी, और ये हीटर का है, कितने ओम का प्रतिरोध है? 100 ओम का प्रतिरोध है, देख लीजिए आप। और वोल्टेज कितना है? स्रोत एक ही है ना, तो 220 का ही वोल्टेज आएगा, तो इसमें कितनी धारा आएगी? आई बराबर वी बटे आई, वही सूत्र लगा देता हूं, वी बटे आर, मतलब 220 बटे आर 100। यहां पे ये देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कोई परेशानी, और यहां पर आ जाएगा, भाग देंगे हम 2.2, 10 का भाग दे दिया एम्पियर। देखिए, अब इन दोनों के मान लेंगे आप,
इन दोनों के मान में क्या संबंध है? प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, प्रतिरोध धारा का व्युत्क्रम होता है। किसी परिपथ में धारा नियंत्रक धारा को कम ज्यादा करने के लिए अपन धारा नियंत्रक लगा सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं, और यहां प्रतिरोध दुगुना करने धारा आधी हो जाती है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल सन में आया होगा, पूरा प्रैक्टिकल एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके से 2 मिनट में। परिपथ तैयार करना है, नाइक्रोम का तार, इसमें एक एक करके 4 सेल लगाना है, यहां एमीटर, यहां कुंजी, यहां वोल्टमीटर, दोनों के मान पढ़ना है, एमीटर से धारा नापी जाती, वोल्टमीटर से विभवांतर। मैंने ग्राफ खींचा है और ये मान इसमें भर दिए हैं। मान को जब हमने भाग दिया आपके सामने तो देखा कि आर मान बराबर आए, बराबर कैसे आ गए? इससे पता चला साइमन ओम ने जो किया है कि यार ये अनुपात निश्चित रहता है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर स्वप्रवाहित धारा के समानुपात, यही ओम का नियम है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें आप, और हमारे साथ पूरी विज्ञान पढ़ने के लिए आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी, और 100% मार्किंग मोड में करेंगे आप, हमारी आशा है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो वीडियो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया में फेसबुक पर भी, सभी जगह, ठीक है? और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो लोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।